मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो, ग्वालियर, नौगांव 47 डिग्री को भी पार कर गए हैं। भोपाल का तापमान 44 डिग्री पार कर चुका है, 45 तक पहुंच गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बीचों बीच बने शौर्य स्मारक में, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड भीषण गर्मी में खड़े हुए हैं। चारों तरफ इनके जो है कोई भी इनकी सुरक्षा के लिए या अंदर बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, या बैठने के लिए जो इंतजाम बने भी हुए हैं उसमें ये बैठ नहीं सकते क्योंकि इनकी ड्यूटी गेट पर तैनाती की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सूरज का पारा जो है बिल्कुल 44 से 45 डिग्री सेल्सियस पर है और ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। इतने तापमान में भी आप खड़े हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, वो तो अंदर से व्यवस्था देनी चाहिए, बैठने के लिए बनाया, इसमें भी कोई वो नहीं, बहुत गर्मी लगती है और बैठने के लिए भी स्टूल है, बस कुछ नहीं करनी पड़ती, क्या कर पेट में। हर 8 घंटे 9 घंटे में शिफ्ट आप लोगों की बदलती है? 12 घंटे में। तनख्वाह क्या होती है? 7,500। तो आप सोच सकते हैं कि 7,500 रुपए बहुत कम होते हैं एक परिवार का खर्च चलाने के लिए। कितने लोग हैं आपके घर में, परिवार में? 4, 2 बच्चे और 2 मियां। तो 2 ये पति पत्नी हैं और इनके 2 बच्चे हैं। 4 लोगों का खर्चा चल जाता है 7,500 में? खर्चा ही चलता है सर, वो भी सही से नहीं चल रहा है, बचत नहीं हो पा रही। नहीं, तो आप देख रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी है और ये गार्ड किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, किस तरीके से तैनात है। इतना ही नहीं, लोहे की ये पूरी जालियां और गेट लगा हुआ है जो बिल्कुल तप रहा है, आग की तरह झुलस रहा है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल न्यूज़ 24।